आ चुके हैं भाई अपने शोरूम। तो भाई ये रहा अपना शोरूम रॉयल एनफील्ड का। और भाई ये अपना मतलब भाई एड्रेस वगैरह तो मैं आपको बता ही दूंगा इसका। एक बार चलते हैं पहले शोरूम के अंदर और अंदर चल के भाई करते हैं जरा बात ओनर से। और एक हमारे भाई हैं वहाँ पे जानने वाले सानू भाई, तो भाई उनसे भी मिलते हैं। पहले चलते हैं भाई अंदर की तरफ एक बार शोरूम के। तो आ जाओ भाई। चल तो भाई आ चुके हैं अपने शोरूम में। जैसे मैंने आपको घर से बताया था कि शोरूम जा रहा हूँ, तो भाई सबसे पहले आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी हंटर बाइक जो सबसे पहला है। तो पहले अपने सानू भाई से मिला देता हूँ। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। तो सानू भाई मैं पूछना चाह रहा था, मतलब इसमें मतलब दो अपने अवेलेबल है ना अभी? आ, एक जो बेस एक टॉप, टॉप ये आपका बेस है। अच्छा, तो भाई ये अपना बेस होने वाला। तो भाई एक छोटी छोटी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि बेस और टॉप में मतलब फर्क क्या है? फर्क का सबसे पहले मैं बता दूं आपका बेस मॉडल में जो आता है जी भाई अच्छा एलॉय डिस्क ब्रेक आएगा। अच्छा अच्छा एलॉय व्हील नहीं आएंगे, सिंगल डिस्क ब्रेक आएंगे और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक जी। तो पीछे की तरफ भाई अपने ड्रम ब्रेक हो गए। तो भाई इसका सस्पेंशन वगैरह का क्या सीन है? शॉकर सस्पेंशन का बहुत बढ़िया है, क्या नाम है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी। परफॉर्मेंस अच्छी है, बाइक कर दी है, वेट हल्का कर दिया है जी भाई, इसके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई एक चीज पूछ रहा था मैं, मतलब कि जैसे कि इसका टायर साइज वगैरह क्या हो जाता है? जैसे कि टायर यार, अच्छा 18 इंची का, मतलब टोटल साइज बताओ भाई टायर का। मैं साइज एक बार आपको दिखा देता हूं, देख के भाई देख के बता दो एक बार मुझे। तो भाई टायर वगैरह अभी भाई बता देंगे, बाकी भाई आप मीटर वगैरह 18-17। अच्छा 120 18-17 यार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई जैसे कि साइज वगैरह आपको पता चल ही गया होगा, बाकी आप मीटर वगैरह देख लो। अच्छा भाई इसमें और मतलब कितने कलर आ जाते हैं इसमें? इसमें जो बेस मॉडल है दो या तीन कलर आते हैं, एक आता है आपका ये सिल्वर आ गया, एक आया आपका ब्लैक। अच्छा एक ब्लैक, ब्लैक अच्छा, दो कलर अवेलेबल है, बस दो कलर अवेलेबल है। और इसकी भाई कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ जाती है? पड़ जाएगी आपको 176,000, मतलब ऑन रोड या एक्स शोरूम? एक्स शोरूम पूरा। अच्छा एक्स शोरूम। तो भाई एक्स शोरूम प्राइस अपना इतना हो जाता है, ऑन रोड बाकी आप आके चेक कर सकते हो एक बार। और हाँ क्योंकि हर जगह भाई अलग अलग सीन है। तो फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं मैं एड्रेस वगैरह आपको डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। और बाकी भाई इसका टॉप मॉडल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो अपनी होने वाली है वर्सेस। तो भाई सबसे पहले अपने पास यही अपने सामने खड़ी है, पहले एक बार देख लो आप हंटर 350 cc, वो भी 350 cc में ही है ना भाई? 350 में, ये टॉप मॉडल है आपका। ये टॉप मॉडल है भाई, ये आपकी दे रखी है भाई फिनिशिंग जो कि टैंक पे दे रखी है, ब्लू और वाइट। रेबल ब्लैक। कौन सा भाई? रेबल वाइट। वाइट। अच्छा अच्छा, ये टॉप मॉडल है। तो भाई इसमें टॉप मॉडल में मतलब क्या क्या खास चीज है उससे? जैसे कि मैंने आपको बताया था अलॉय व्हील आ जाएंगे इसमें आपके। अच्छा अच्छा, अलॉय व्हील आ गए भाई दोनों तरफ, डुअल डिस्क ब्रेक आ गए भाई दोनों तरफ। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार, एक ये रे और एक अपने भाई आगे आगे ये रे। तो भाई जो भी रॉयल इनफील्ड के भाई, ये तो भाई जान है एक तरीके से, है ना, बहुत पुरानी, काफी टाइम से चलती हुई आ रही है, चलती आ रही है और चलती रहेगी। हाँ, तो भाई काफी बंदों की पसंद भी है, तो जिसको भाई पसंद है एक बार भाई चेकआउट कर सकता है आके। और बाकी भाई मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसकी टैंक वगैरह देख लो भाई, कितने लीटर का टैंक है इसका? 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। अच्छा 13.5 लीटर का। और रिजर्व वगैरह कितने में आ जाता है इसका? लगता है 5.5 लीटर का। अच्छा 5.5 लीटर का। BS6 बाइक आ गई है, 2 लीटर तो परमानेंट रहेगा। 5.5 लीटर का इसका रिजर्व बना दिया, सारी बाइकों को बना दिया, ठीक, किसी भी बाइक, कोई सी बाइक ले लो जी भाई। तो भाई मतलब कि जैसे भाई बता रहे हैं, और भाई इसकी सर्विस कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ जाती है? सर्विस कॉस्ट नॉर्मल जो होती है 2-2.5 हज़ार रुपये के लिए। अच्छा अच्छा, और इसकी प्राइसिंग कितनी है? इसकी प्राइस आएगी आपकी 2,10,000। अच्छा, और उसकी कितनी है? 1,75,000। अच्छा 1,75,000। तो भाई समथिंग मतलब 40-50 हज़ार के हेर फेर में पड़ जाती है। तो भाई इसमें मतलब क्या ऐसी सीरीज ऐसी इसमें फालतू है कि मतलब इसके प्राइसिंग मतलब 40,000 कंपनी बढ़ा के दे रही है? नहीं, कंपनी का मैं एक्चुअली बता दूं आपको, जो कंपनी में अलॉय व्हील लगा है जैसे मैंने बताया। अच्छा अच्छा, डुअल डिस्क ब्रेक हो गए, आपका बैक रेस्ट लगा हुआ है। अच्छा बैक रेस्ट लगा हुआ है भाई पीछे वाले बंदे के लिए, ठीक है भाई। स्टम गार्ड, स्टम गार्ड इंजन को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे की तरफ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई। तो ये हो गया भाई, ये अपने भाई, ये तो मेटल का है ना? हाँ, मेटल का होता है पूरा। तो भाई ये मतलब जैसे भाई बाइक वगैरह कहीं लग जाती है नीचे से हाँ, तो उसके लिए मतलब उसे सेफ करने के लिए ये बात। तो भाई जैसे कि भाई बता रहे हैं, बाकी आप लुक वगैरह एक बार इसका देख ही लो क्योंकि भाई एक नंबर लुक है। और बाकी भाई लाइटिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, की वगैरह फिलहाल भाई अवेलेबल नहीं है, वरना मैं दिखा देता और शायद मुझे मिल जाएगी तो मैं उसमें एक आध पार्ट डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी भाई टायर वगैरह आप इसका चेक कर लो भाई, एकदम गैंगस्टर टायर और गैंगस्टर लुक के साथ अपनी गाड़ी आ जाती है। तो भाई देख लो एक बार आप।
तो भाई ये भी मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ही है? नहीं, ये ऑफ रोडिंग के लिए भी है, बढ़िया है, पर ये है लॉन्ग रूट के लिए, सिटी के लिए बहुत बढ़िया बाइक है। अच्छा, लॉन्ग रूट और सिटी के लिए? बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। जैसे भाई पहले पुरानी बुलेट जो थी अपनी वाइब्रेट करती थी ज्यादा जी भाई, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं। तो भाई जैसे कि मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आपको एसेसरीज चाहिए तो भाई यहाँ से तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि भाई यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है ना। तो भाई हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भाई जिसे अगर लेनी है तो एक बार भाई मार्केट में पता कर लो, वहाँ से भी ले सकते हो। और भाई नहीं आपको मतलब कि मिल पा रही है तो भाई फिर आप ले सकते हो यहाँ से। तो भाई यहाँ पे जैकेट वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल है ना, हेलमेट से लेके जैकेट तक सब चीज़ मिलेगा। हाँ तो भाई देख लो आप, बाकी भाई चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, भाई कौन सी बाइक दिखाओगे सेकंड में? मिटियोर 350। तो भाई मिटियोर 350 दिखाता हूँ, तो बने रहो भाई वीडियो के साथ। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में अपने में। अपने पास खड़ी है भाई हंटर अपना टॉप मॉडल, इसमें भाई काफी सारे मतलब की वेरियंट आते हैं, काफी सारे कलर आते हैं, है ना भाई? तो भाई कंपनी वालों ने अपने रॉयल इनफील्ड ने भाई हमको ऑफर कर दिए वैसे कि हाँ भाई आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो इसकी। तो भाई एक बार टेस्ट ड्राइव लेके भाई चेक करा जाए। स्टार्ट भाई इसमें स्टार्टिंग के लिए सेल्फ नहीं आता भाई, ये आता है अपना सिमिलर सा एक बटन, इसे ऐसे करोगे बाइक हो जाएगी अपनी स्टार्ट। और आवाज़ वगैरह आप सुन सकते हो भाई इसकी। तो चलते हैं ज़रा टेस्ट ड्राइव की तरफ। भाई ये तो काफ़ी स्मूथ चल रही है यार, वाइब्रेशन है ही नहीं बिल्कुल। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हैंडल भाई बिल्कुल फ्री है। और भाई एक बार आप देख लो यार, अलग ही मजा आ रहा है। एक बार मैं इसका हॉर्न और बजा के सुनाता हूँ। तो भाई इसे तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये बुलेट है। और भाई इतना स्मूथ स्टीयरिंग, भाई इतना स्मूथ, भाई मजा आ गया, क्या कहने भाई। तो भाई बहुत आप करो भाई एंजॉय, भाई इसके भाई सब आगे भी देखने वाले हैं थोड़ा सा कि किस हिसाब से भाई बनती है, है ना भाई। अभी चलते हैं। और भाई अपना शोरूम का रास्ता कहाँ से है फिर? इधर से ही पहुँच जाएंगे ना भाई शोरूम? हेलो भाई, बाकी भाई चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई कौन सी बाइक दिखाओगे सेकंड में? मिटियोर 350। तो भाई मिटियोर 350 दिखाता हूँ, तो बने रहो भाई वीडियो के साथ। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में अपने में।